बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हाल ही में एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है और फिलहाल वह 14 दिन की रिमांड पर है। आलीशान जिंदगी जीने वाले आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद है। वे 8 अक्टूबर को यहां पहुंचे थे। जेल में बंद आर्यन के लिए यहां जीवन यापन करना काफी मुश्किलों से भरा हो रहा है। खबरों के अनुसार आर्यन खान जेल में सही से खाना नहीं खा रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से कैंटीन से खरीदे बिस्किट पर ही जी रहे हैं। इतना ही नहीं, खबर के अनुसार जेल के अधिकारी और कर्मचारी आर्यन को लगातार खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह भूख ना लगने की बात कर रहे हैं। वह केवल बिस्किट को ही खा रहे हैं। वो जेल में नॉर्मल की जगह बोतल का पानी पी रहे हैं, जिसका सिर्फ 3 बोतल पानी बचा है। इसी रिपोर्ट के अनुसार जेल में आने से पहले वह 1 दर्जन बोतलों को साथ लाए थे। खबर के अनुसार जेल मैनुअल के अनुसार जेल में रहने वाला कोई भी कैदी केवल 2500 रुपए अपने साथ ही लेकर जा सकता है, जो उसके जेल के अकाउंट में जमा किए जाते हैं। इसके साथ ही कैदी को एक कूपन भी दिया जाता है। कूपन का प्रयोग कैदी जेल की कैंटीन आदि में कर सकता है। आर्यन खान जेल में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए रोजमर्रा की चीजों को झेलना भी काफी मुश्किलों से भरा हो रहा है। ऐसे में जेल के अधिकारी आदि काफी परेशान हो रहे हैं। इसी खबर के अनुसार आर्यन और अरबाज एक ही जेल में बंद हैं। यह भी जानकारी सामने आई है कि आर्यन 4 दिनों से नहाए भी नहीं है। इतना ही नहीं, जेल में बंद आर्यन किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। ऐसे में जेल में बंद आर्यन के वकील भी पूरी कोशिश में लगे हैं कि जल्द से जल्द स्टार किड को बाहर लाया जाए। हालांकि अभी वो 14 दिन की रिमांड पर हैं और देखना होगा कि आगे भी वह जेल में बंद रहते हैं या फिर उनको जमानत मिलती है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और भी ट्रेंडी न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।